नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और आपके साथ मैं हूँ योगिता प्लास। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 3 तारीख है, मतलब मध्य प्रदेश में उपचुनाव का दिन है। जी हाँ, मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर आज मतदान होने हैं। वहीं आपको बता दें कि इन्हीं उपचुनावों को लेकर मतदाताओं में उत्साह भी देखने के लिए मिला है। जो सभी मंत्री और जो सभी प्रत्याशी हैं वो सुबह ही मतदान केंद्रों पर मतदान करने पहुँचे हैं। वहीं आपको बता दें कि इन्हीं सबके बीच चुनाव आयोग द्वारा कड़ी निगरानी जो है वो चप्पे चप्पे पर रखी गई है कि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी की आशंका जो है वो नहीं जताई जाए। परंतु फिर भी ईवीएम मशीन में कहीं कहीं गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है और ऐसी खबरें सामने आ रही है कि ईवीएम मशीन में कुछ गड़बड़ी हो गई है, जिसकी वजह से कई मतदान केंद्रों पर ईवीएम मतदान जो है वो देर से भी शुरू हुए हैं। वहीं आपको बता दें, इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया, उनका एक बड़ा ट्वीट जो है वो सामने आया है। उन्होंने आज अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि इस तकनीकी युग में विकसित देश जो है वो ईवीएम पर भरोसा नहीं करते, पर भारत व कुछ छोटे देश जो है ईवीएम पर भरोसा करते हैं और ईवीएम से चुनाव कराते हैं। विकसित देश क्यों नहीं करवाते? क्योंकि क्योंकि जिस ईवीएम में चिप है और चिप जो है हैक हो सकती है, जिसकी वजह से विकसित देश जो है वो ईवीएम से चुनाव नहीं करवाते। ऐसा एक ट्वीट जो है वो दिग्विजय सिंह ने अपने ट्विटर अकाउंट पर किया है। वहीं आपको बता दें कि ऐसे भी पहला मौका नहीं है कि ईवीएम में गड़बड़ी की खबरें सामने आई हैं। ऐसे पहले भी कई मौके हो चुके हैं जिसमें ईवीएम मशीन में गड़बड़ी बताई गई है और जिसकी वजह से काफ़ी हेराफेरी जो है चुनावों में की गई है, जिसकी वजह से एक बार दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट की वजह से सियासी गलियारों में फिर से हलचल मच चुकी है। साथ ही सभी को इसकी आशंका, गड़बड़ी की आशंका जो है जताई जा रही है, क्योंकि ईवीएम मशीन में काफी जगह गड़बड़ी देखी भी गई है, जिसकी वजह से मतदान जो है वहां पर उन केंद्रों पर देर से शुरू हुआ है। ये था हमारा अब तक का अपडेट, और ऐसे ही अन्य अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे वॉइस ऑफ एमपी पर। साथ ही हमारे ऐप को डाउनलोड करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।